ये जश्न बिहार चुनाव में जीत का था और जोश अगले लक्ष्य के लिए। ये संदेश बिहार की जनता के नाम था, लेकिन संकल्प अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने का। बिहार विधानसभा चुनाव में विजय का पताका फहराने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं, मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मौत के खेल से मत नहीं मिलेंगे। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है। भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। बिहार में बीजेपी की जीत को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी सुगबुगाहट पहले से ही तेज है। वैसे टीएमसी यही दावे कर रही है कि बिहार के नतीजों का कोई असर नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली द इलेक्टोरल अलायंस एंड ऑल दिस थिंग दिस मैटर्स, बट टुडे और टुमारो द बीजेपी हैज टू गो बिकॉज द सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स द पीपल ऑफ बंगाल एंड पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट अप्रूव। टीएमसी का दावा चाहे जो भी हो, बिहार चुनाव नतीजों की धमक बंगाल में भी सुनाई दे रही है। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। बिहार की जीत से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है, इसलिए मौका भले ही बिहार की जीत के जश्न का था, लेकिन बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी के संदेश ने साफ कर दिया है कि अब बारी पश्चिम बंगाल की है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।